दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरुवार को एयर इंडिया की एक फ्लाइट पैसेंजर्स को बैठाने के बाद 8 घंटे लेट हो गई। इस दौरान फ्लाइट में एसी बंद था, जिसके कारण कई पैसेंजर्स बेहोश हो गए। लोगों के आक्रोश जताने पर सभी को फ्लाइट से बाहर निकाल दिया गया। मामला एयर इंडिया की फ्लाइट AI-183 का है, जो कल दोपहर 3:30 बजे दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जाने वाली थी। ये फ्लाइट अब कभी 20 घंटे की देरी से आज रवाना होगी। कई पैसेंजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में टैग कर नाराजगी जताई।